हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये मेरे पास नोकिया 105 का मोबाइल है और आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो इनबिल्ट सिम लिखा हुआ आ रहा है। इस मोबाइल में मैंने दोनों सिमें डाली हैं और दोनों में जो है वो इनबिल्ट सिम लिखा हुआ आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका जो मॉडल है नोकिया 105 है और ये 2019 का मॉडल है और इसका जो IMEI नंबर है वो हम चेक करेंगे, स्टार है 06# मिलाएंगे तो ये इसके जो है दोनों IMEI नंबर है। तो फ्रेंड्स, इस IMEI नंबर को जो है वो हम चेंज करेंगे तो ये इनबिल्ट सिम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसको चेंज करने के लिए मैं आपको कुछ कोड बताऊंगा, वो अपने मोबाइल पे आपने ट्राई करने, जो सा कोड आपके पास लगे तो आप अपना नंबर जो है चेंज कर दें। तो मैं अभी आपको कोड बताने लगा हूँ जो मैं अपने पास ट्राई करूँगा, *#03#। ये कोड आप अपने पास डायल करें, अगर आपके पास वर्क करें तो इस मोबाइल में फ़िलहाल ये वर्क नहीं कर रहा। दूसरा कोड मैं जो है वो इसमें जो है वो डाल रहा हूँ, तो दूसरा कोड *#03#, ये तो खैर हमने डाल दी, दोबारा से दूसरा कोड डालेंगे इसमें, तो *#00006#। ये भी नहीं काम कर रहा, तो दूसरा कोड मैं एक और कोड डालता हूँ, *#00006#। फ्रेंड्स, ये कोड भी जो है इसमें काम नहीं कर रहा। आपने सारे कोड अपने पास जो है वो ट्राई करने हैं, *#020#। ये कोड भी जो है इसमें काम नहीं कर रहा, तो *#07003#। फ्रेंड्स, ये कोड भी जो है इसमें काम नहीं कर रहा, *#328#। ये वाला भी इसमें जो है काम नहीं कर रहा, तो *031#। ये भी नहीं काम कर रहा, *01600#। तो फ्रेंड्स, ये देखें, ये वाला कोड जो है वो इसमें काम कर लिया है। ये दोनों IMEI नंबर आ रहे हैं SIM 1 और SIM 2 के। तो हमने कुछ करना कुछ भी नहीं इसमें से, कुछ इनसे हमने चेंज कर देना है। तो ये कुछ इनसे मैंने काट दिया, कुछ भी आप कोई भी इनसे इसमें अपने डाल दें, 5-6 से आप इसके एंड के चेंज कर दें। और इसकी भी आपने इसी तरीके से कुछ भी आप नंबर डाल दें अपने से, और इसको यहाँ 20 से ऑप्शन से इसको यहाँ से सेव कर दें, तो मोबाइल जो है वो रिबूट होगा, उसको यस कर दें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मोबाइल रिबूट हो गए, दोबारा से ऑन हो के ऑफ हो के ऑन हो गए दोबारा मोबाइल हमारा। तो ये जो इनबिल्ट सिम का मसला आ रहा है ये सॉल्व हो जाएगा। तो अभी देखते हैं फ्रेंड्स, आपके सामने जो है वो दोनों सिम अभी सर्चिंग कर रही हैं और ये नेटवर्क सर्च कर रहा है। पहले यहाँ पे इनबिल्ट सिम लिखा हुआ आ रहा था जैसे हम मोबाइल ऑन करते थे, और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक सिम में सिग्नल आ गए जेएस के और दूसरी वाली सर्चिंग पे लगी हुई, और दूसरे में भी देखें जेएस के सिग्नल आ गए हैं। तो अभी मैं इसका जो है वो हेल्पलाइन जो इसकी सिम का है वो मिलाता हूँ 123, देखते हैं कि कॉल वगैरह भी लग रही है कि वो नहीं लग रही है। तो देखें फ्रेंड्स, आपके सामने कॉल भी जो है वो लग रही है इस फ़ोन में। और आपको मैं कोड दोबारा बताते चलूँ, ये वाला कोड इसमें ज़्यादा वर्क करता है, *01600#। तो ये देखें, इस तरह की आपने दोनों नंबर में से कुछ नंबर आपने चेंज करके इसको सेव करके रिबूट कर देना है, और आपका जो है वो नंबर मसला हल हो जाएगा इनबिल्ट सिम का। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।